हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू हिम रक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जीक के सेक्शन के नेक्स्ट मॉक टेस्ट की। इसमें हम लगभग आपके लिए लाए हैं 25 क्वेश्चन। एंड ऑफ द वीडियो आपको 25 में से आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की शासन प्रणाली में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, सीआर दास, चित्तरंजन दास। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? भारत में विधान मंडलों की समीक्षा करना, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, वायसराय के पद की समीक्षा करना, भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? बर्न हैंस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताइए। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, सभी को इसका उत्तर ध्यान में रखना है। अविशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रेजुअल और क्लियरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया आर कॉल्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज अवंडेंस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एन इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम? ग्रासलैंड, मरीन, टुंड्रा, फॉरेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर, बायोम, क्लाइमेट, सबसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क करो। मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन लीव्स इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द प्लांट? 50, 10, 1, 25। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन 1948, 1950, 1951, 1952। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, इन द स्टेट लिस्ट, इन द कंकरेंट लिस्ट, इन अनस्पेसिफाइड इन एनी
स्पेशलिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री वी टी कृष्णाचारी, श्री सी राजगोपालाचारी। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, श्री वी टी कृष्णाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंटीमेट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड अप ऑफ, बलवंत राय मेहता, वल्लभ भाई पटेल, एम विश्वेश्वराय, जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एम विश्वेश्वराय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इन इंडिया, शिमला, रांची, देहरादून, श्रीनगर। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, राजस्थान, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया आउट ऑफ द टोटल लैंड ऑफ एरिया इज 30%, 25%, लेस देन 25%, 33%। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लेस देन 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री लोकेटेड, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वेयर इज द हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर लोकेटेड, शिमला, भूटान, श्रीनगर, देहरादून। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू करता है, संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य, संसद के किसी भी सदस्य के आधे सदस्य, सदन के आधे सदस्य, संसद राज्यों के आधे विधानमंडल, किसी भी राज्य विधानमंडल के 13 सदस्य। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, 25 ईयर 30 ईयर 35 ईयर 18 ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। यदि आंग्ल भारतीय समूह को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय को के 2 सदस्यों को नियमित किया जाता जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोक सेवा अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
in which constitutional amendment in India the voting age was reduced from 21 year to 18 year? 42 Amendment Act, 61 Amendment Act, 74th Amendment Act, 83 अमेंडमेंट एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र में के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 25 क्वेश्चन। आपको बताना है कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए हैं। यदि आपके 20 प्लस मार्क्स हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली हुई है। यदि आपके इससे डाउन मार्क्स हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, निराश ना होएं। यह थी वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। बिकॉज आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।